हाँ, एक भाई थे, उनका मतलब इंतकाल हो गया, हमारे एक दोस्त थे, तो जी उनकी बीवी की उम्र थी जब लगभग 20-21 साल, तो उस वक्त ठीक है हमने उनका निकाह निकाह की कोशिश किया, तो वो लड़की मना कर दिए। फिर वो दो बच्चे भी थे उस वक्त उनको, ठीक है ठीक तो बच्चे भी बड़े हैं, फिर अभी अभी जहन उनका बन रहा है कि निकाह कर दो। तो अगर है, निकाह हम करने के लिए तैयार हैं, तो निकाह करने के फिर बाद एक मिनट जी बोलिए, तो आवाज फिर कर निकाह दो। निकाह निकाह करने के बाद वो जो बच्चे हैं और वो मतलब वो भाई का माल भी है, तो वो किस तरह उस हाँ पर ये होगा विरासत का मामला? अच्छा शेख, इनका कहना ये है कि एक भाई थे, उनका इंतकाल हो गया, उनकी जो बीवी थी वो 22-23 साल की थी उस वक्त, समझिए ठीक है। फिर उनके दो बच्चे भी थे, उस वक्त उनको निकाह करने के लिए कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया। फिर अब वो उनका जहन बना निकाह करने का, तो वो अभी निकाह करना चाहती हैं। तो वो ये पूछ रहे थे कि वो जो पहले शोहर की जो विरासत है उसका क्या मामला होगा, उनका ये पूछना है जावेद भाई का। जी बिल्कुल, जावेद अब क्लियर है आपका सवाल। जी शेख देखिए, जब उनके शौहर की वफात हुई तो उनके शौहर की जो भी प्रॉपर्टी रही होगी उस जी प्रॉपर्टी में उनको 1/8 मिलेगा उनकी बीवी को, क्योंकि उनके पास दो बच्चे हैं। उनकी जी बीवी को 1/8 अपने शौहर की प्रॉपर्टी में मिल जाएगा। अब वो जी उनको मिल गया, अब आगे उनका निकाह करना ना करना ये अलग मसला है। उनको वो प्रॉपर्टी में से 1/8 विरासत में मिलेगा और उनके बच्चों को भी मिलेगा। जो भी उनके जी वारिसीन होंगे सब में तकसीम होगा, जिनमें कि उनके बच्चों का भी हिस्सा है। ठीक जी है। अब वो उस वक्त शादी के लिए तैयार नहीं थी, वो उनकी मर्जी थी। बाद में जब वो शादी के लिए तैयार हुई तो वो शादी कर सकती हैं। उनको जो प्रॉपर्टी मिली हुई है अपने शौहर से, वो प्रॉपर्टी जी उनकी है। जी उस जी लड़की सर को अपने वफातशुदा शौहर की प्रॉपर्टी में से उसका अपना हिस्सा मिल गया वफात के बाद मीरास की शक्ल में। मान लीजिए उसको 10 लाख रुपया मिला विरासत में। अब वो दस जी लाख रुपया उसकी अपनी खास मिल्कियत है। वो चाहे अपने बाप के साथ रहे, भाई के साथ रहे, कहीं और शादी कर ले, उस वो बिल्कुल अलग मसला है। वो जो 10 लाख जी शौहर से मिला है वो उसका अपना है, वो जहां भी जाएगी उसके साथ वो जाएगा। जी जी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।